लर्न टू ट्रेड के सेशन नंबर 31 31 में दोस्तों आपका स्वागत है मैं हूं विवेक बजाज और मैं सिखा रहा हूं ट्रेडिंग अनुपूर्णा जी को और आपको हेलो हेलो सर सेंसेक्स में 30 स्टॉक है सॉरी और वो sorry. 30 स्टॉक रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को hmm. और हमने 30 सेशन कंप्लीट कर लिया है जो आपका बेस बिल्डिंग कर दिया है एक hmm. बार हैं फटाफट वो तीस सेशन में हमने क्या सीखा है ओके okay. ये देखें पे पहला सेशन बिगनेस गाइड फिर चार्ट सीखा हमने फिर ट्रेडिंग टर्मिनल क्या होता है वो सीखा हमने स्टॉक को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और अपना खुद का वॉच सीरिज कैसे बनाते हैं ट्रेडिंग व्यू सीखा हमने कि प्रॉपर चार्ट कर देखने के लिए कैसे किस सॉफ्टवेयर को यूज करना है स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई करता है ट्रेडिंग करने के लिए स्टॉक मार्केट में सेक्टर एनालिसिस कैसे करते हैं बिगनेस गाइड ऑन फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्योंकि आप ही बोला था फ्यूचर ट्रेडिंग करना है करना है तो एक बेसिक मैंने आपको बताया था बट इसका डिटेल अभी तक हमने टॉपिक टॉपिक फॉरेक्स ट्रेडिंग और करेंसी ट्रेडिंग अगेन वन ऑफ माई इनिशियल करियर बिल्डर एज ए ट्रेडर करेंसी ट्रेडिंग दैन मूविंग एवरेज सबसे पुराना ओल्ड इज गोल्ड मूविंग एवरेज राइट

जो मैं फॉलो करता हूँ एवरेज टू रेंज जो एक स्टॉक का स्टॉकिटी को बताता है band, जो बैंड बैंड बताता है कि कैसे एक stock, एक स्टॉक टिपिकली में वर्क करता है और उसका हम कैसे फायदा उठा सकते हैं वेरी टूल, जो एक स्टॉक का मोमेंटम मेजर करने में हेल्प करता है ट्रेडिंग जर्नल yes, सबसे अच्छा बेस्ट yes, मुझे रिकॉर्ड करने में बड़ा मजा आया था वो कर्मा वाला वीडियो And lot of people have messaged me. They have given their Excel to me and told me that sir, this is my karma for the week, karma for the month. और इतना अच्छा कर रहे हैं लोग. खुशी बहुत होती है, satisfaction बहुत होती है. Intraday trading, opening market strategy. ऐसे कई लोग हैं. In fact, कल एक doctor का phone आया. Okay. बोला मैं वो opening market trade ही करता हूँ. मेरा chamber होता है साढ़े दस घंटे से. हम्म. Hmm. तो मैं सुबह trade करके position लगा देता हूँ. और फिर बारह साढ़े बारह तक पोषण अपने आप हो जाते हैं और मैं अपना काम करता रहता हूँ मनी मंथ ऑन मंथ बाई यूजिंग ईगल्स जो बादलों के ऊपर है और वो स्टॉक गिरते हैं लेकिन इनका ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है तो कैसे ईगल स्कैन पे आप काम कर सकते हैं मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेडिंग मदर एंड डॉटर या टेक्नो फंडा ट्रेडिंग अच्छे स्टॉक्स बिजनेस अच्छा हो और उनमें हम टेक्निकल्स को यूज करके कैसे ट्रेड कर सकते हैं प्राइस डिलीवरी एंड ओपन इंटरेस्ट को कंबाइन करके जो मेरा पेड वेबिनार था वो मैंने फ्री दे दिया राइट right, और प्राइस डिलीवरी और ओपन इंटरेस्ट टू विच इज बेसिकली वो पेड वेबिनार तो दो घंटे का था तो हमने दो वीडियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया yes, सब कुछ दे दिया हूँ लिटरली सब कुछ दे दिया हूँ फ्री में अब आपको सपोर्ट करना है कैसे करेंगे ट्रेड करके ट्रेड करके पैसा बनाएंगे करेक्ट यस सर स्टॉक एज सब्सक्राइब करेंगे यस सर ऑलरेडी ऑलरेडी सब्सक्राइब सब्सक्राइब क्योंकि ये काम करके पैसे तो बने नहीं मेरे सर nice, तो आप तो सपोर्ट करेंगे किसी तरीके से मजाक <laughs> कर रहा हूँ अगर लगे कि फायदा हुआ है पैसे बने या नॉलेज बिल्डअप हुआ है और आप किसी तरीके से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं इस एक्सरसाइज में क्योंकि कोई यूट्यूब में काम करके पैसे नहीं बनते है. तो स्टॉके सब्सक्राइब करेंगे और उसको अपने फायदे के लिए यूज करेंगे तब आपको और फायदा मिलेगा उसमें भी करना है पता है ना यस yes, फ्री का कोई भी कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता है थोड़ा बहुत पे करोगे तब लॉन्ग वे में जाओगे अब देखो इकतीस से लेके पचास बाकी है ब्लैंक है बट पूरा माइंड में सब कुछ है सेट बीस okay. वीडियो और जो रिकॉर्ड करना है उसमें आपको क्या क्या बताना है कैसे बताना पचास में जाके रुक जाऊंगा फिशियट है अभी भी आप देखोगे ना आपको फील आ रहा होगा वो कि आई एम हैप्पी आई एम आई रीच द पॉइंट वेयर आई कैन से दैट यस आई इफ आई वॉन्ट अगर आप चाहोगे नहीं तो फिर कैसे होगा बट अगर आप चाहोगे तो आई थिंक यू हैव रीच अ स्टेज वेयर यू हैव गेन अ बिट ऑफ कॉन्फिडेंस और आने वाले 20 सेशन में और मैं आपको डीप लेके जाऊंगा चीजों के अंदर में और आपको और बेटर कॉन्फिडेंस दूंगा ठीक है शाह एक टॉपिक है मेरे दिल के बहुत करीब है वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ

तो शायद आपको उतना समझ में नहीं आए तो जस्ट सी ऑल दी दर्टी मेक श्योर योर फ्रेंड सी इट मेक श्योर योर घर में कोई यंगस्टर है कोई टीनेजर है कोई होम मेकर है कितना जबरदस्त सेगमेंट है जिनको हम सिखा सकते हैं ट्रेडिंग और वो कितना समय अपना यूज कर सकते हैं पैसे भी बना सकते हैं और समय भी यूज कर सकते हैं तो उनको दीजिए ये प्ले और कहिए कि आप ये ट्रेडिंग का पूरा प्रोसेस को अच्छे से समझिए तो इकतीसवा आज एक और मैं अपना वेबिनार खोल देता हूँ ओके okay, सर so. एक वेबिनार मैंने पूरा खोल दिया था नॉलेज आपको बता दिया था हजार रुपए का वेबिनार था फ्री में दे दिया ठीक है और मैंने आपको रिक्वेस्ट किया था कि अगर आपको पसंद आया तो वेबिनार सब्सक्राइब कीजिएगा वेबिनार क्यों सब्सक्राइब करना है तो आप बताइए उसका रीजन ये है कि अगर आपके पास फॉलो ऑन क्वेरीज हुए तो आप यूट्यूब में डालेंगे क्वेरीज यूट्यूब में मैं कितने लोगों का जवाब दूंगा तो जब आप वेबिनार लेते हैं तो हमारी यहाँ सपोर्ट टीम है वो आपके क्वेश्चन का आंसर देने का दायित्व लेती है ओके okay. तो जब आप वेबिनार लेंगे इसका मतलब आप पार्ट बन गए हमारे फैमिली का फैमिली मेंबर के लिए तो हम कुछ भी करेगा ना ठीक है ना आपने पैसे दिए क्यों आप सपोर्ट कर रहे हैं हमको और उस पैसे से हम यहाँ टीम जो है उनको सपोर्ट कर रहे हैं right. उनकी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं तो आप कुछ भी अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो उनका दायित्व बनता है कि वो आपको जवाब देंगे राइट right. ठीक है तो कुछ भी मैं आपको बताऊं अगर आपको सपोर्ट नहीं चाहिए बाद में कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं चाहिए अगर मैंने बहुत अच्छा काम किया क्लैरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है तब तो लॉटरी लग गया फ्री में और अगर सपोर्ट लगेगा तो आप ये वेबिनार ले लीजिएगा और हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी सो दे इज नो प्रॉब्लम ठीक है तो इकतीसवा सेशन इज अबाउट आर एस एंड एडवांस आर एस मैंने जो आर एस वहां डिस्कस किया था एक कॉन्सेप्ट था जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि किसी भी स्टॉक को बेंचमार्क के साथ में आप अगर इवेल्युएट करेंगे उसमें आपको एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ ये स्टॉक बेंचमार्क के हिसाब से स्ट्रॉन्ग है कि वीक है कौन सा बेंचमार्क निफ्टी निफ्टी करें क्यों क्योंकि निफ्टी सर बहुत हाईली ट्रेडेड है, है

राइट right, सर so. आपको याद होगा मैंने इसमें क्या कहा था कि अगर आर एस का ट्रेंड ऊपर है बेसिक आर एस है यहाँ ट्रेंड लाइन ड्रॉप कर लेते हैं अगर आर एस का ट्रेंड ऊपर है और स्टॉक का भी ट्रेंड ऊपर है मतलब स्टॉक तेजी में करेक्ट राइट right. और आर एस आई पचास के ऊपर चल रहा है मतलब गाड़ी की रफ्तार पचास के ऊपर है मतलब गाड़ी भाग रही है हुँ. बड़ा बाजार में नहीं है गाड़ी राइट <laughs> right. बाईपास में पचास के ऊपर है तो मतलब गाड़ी भाग रही है ठीक है लेकिन जो मैं आर एस यूज करता हूं वो है एक नॉच एडवांस आर एस वो मैं हाथ सिखाऊंगा आपको okay, ठीक है okay. इसका सिंपल फॉर्मूला क्या है प्राइस ऑफ द स्टॉक डिवाइडेड बाई निफ्टी राइट इसका मतलब वो सिंपल मैथमेटिक्स कर रहा है दिस डिवाइडेड बाय दिस उसके कारण ये एवरीडे प्राइस डिफरेंस जो डिविजिबिलिटी है वो यहां पर प्लॉट हो रहा है मैं बोलता हूं कि एवरीडे प्लॉट करने में ऐसे 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 मूवमेंट्स होते हैं तो उसको नॉर्मलाइज कर दिया जाए आपने मैथ्स में पढ़ा होगा एक कॉन्सेप्ट लॉगरिथमिक कॉन्सेप्ट हमने अर्थमेथिक प्रोग्रेशन पढ़ा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा है एक कॉन्सेप्ट होता है ना लॉगरिथमिक जो कि रिलेटिविटी को बहुत अच्छे से डिफाइन करता है कि आप पॉइंट ए से पॉइंट बी सीधा लाइन नहीं ड्रॉ करते हैं। जैसे एक से लेके दो तक गए तो एक डिस्टेंस आपने कवर किया लेकिन दो से लेके तीन तक हो सकता है मैथमेटिकली सेम ही डिस्टेंस है लेकिन दो से तीन का डिस्टेंस का स्ट्रेंथ या वीकनेस वे कैन नेवर बी सेम एज एक से लेके दो का डिस्टेंस सो लॉगरिथमिक स्केल एक बहुत इंपॉर्टेंट स्केल है फाइनेंशियल मार्केट में जहां पे आप रिलेटिविटी को और बेटर तरीके से जज कर सकते हैं मैं लॉगरिथमिक के अंदर में नहीं जाऊंगा मैं आपको कॉन्सेप्ट को सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा तो रिलेटिव स्ट्रेंथ एडवांस रिलेटिव स्ट्रेंथ नाउ स्टार्ट यूजिंग द वर्ड एडवांस रिलेटिव स्ट्रेंथ ओके एडवांस रिलेटिव स्ट्रेंथ का लॉजिक क्या है एक काम करते हैं ये लॉजिक निकालने के लिए मेरे को पहले डेटा चाहिए होगा तो लेट अस रिट्रीव सम डेटा तो एन एस सी की साइड चलते हैं और एन ए की साइट में कोई भी स्टॉक पकड़ लेते हैं कोई भी स्टॉक बताइए अनुपूर्णा सर इमामी इमामी क्या बात है इमामी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं क्या आप सर कभी कभार कभी कभार या हिंदुस्तान यूनिलीवर वाले इमामी का प्रोडक्ट कभी कभार यूज करेंगे हर वो अखबार नहीं करेंगे चलिए इमामी पकड़ लेते हैं तो हिस्टोरिकल डेटा में चलते हैं इमामी का लास्ट एक साल का हिस्टोरिकल डेटा को एनएससी के साइट से डाउनलोड कर लेते हैं आपको पता ना ये साइट दिखाया था मैंने यस सर अब तो इस साइट से आप कंफर्टेबल हो गए yes, चलिए डाउनलोड करते हैं लेट्स गो इमामी डाउनलोड यस yes. ये हो गया डाउनलोड इमामी का डेटा अब इसको हम शॉर्ट कर लेते हैं डेटा शॉर्ट डेट ओके आ गया दो जुलाई दो से लेके अभी तक का डेटा है इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इसको कॉपी करता हूं और एक एक्सेल में अपने लिए बनाता हूं उस एक्सेल का यहां पेस्ट कर देता हूं और इसका नाम रख देता हूं आर एस एस ये खाली एक्सप्लेनेशन के लिए ये आपको बनाना नहीं है ओके सर आर एस जो मैं एडवांस आर एस बोलता हूं उसका कॉन्सेप्ट समझाने के लिए एडवांस आर एस ठीक है ये यार इमामी का डेटा आ गया अब हमको इमामी का डेटा किसके साथ कंपेयर करना है निफ्टी के साथ कंपेयर करना है तो मेरे को निफ्टी का डेटा भी चाहिए तो निफ्टी का डेटा हमको कहाँ मिलेगा एन के साइट पे थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है इंडाइसिस का डेटा तो मैंने गूगल कर लिया और गूगल से पूछ लिया क्या पूछा मैंने गूगल से कि निफ्टी स्पॉट हिस्टोरिकल प्राइस दे दे तो गूगल ने मेरे को एन का रेलिवेंट साइट बता दिया जहाँ मेरे को मिलेगा ओके तो इसका डेटा कहाँ मिलेगा मेरे को दो जुलाई से चाहिए इसका डेटा तो दो जुलाई दो से ठीक है दो जुलाई दो हज़ार बीस से लेके मेरे को चाहिए दो जुलाई दो हजार एक जुलाई दो हज़ार डेटा मिल गया डेटा ठीक है तो ये डेटा को सी एस बी में डाउनलोड कर लेता हूँ तो इसमें मेरे को क्लोजिंग प्राइस चाहिए तो एक काम करते हैं एक बार ये पूरा ही उधर टान लेते हैं ठीक है तो ये इमामी का डेटा आ गया और यहाँ पर निफ्टी का डेटा आ गया अब मेरे को इनका बेसिकली व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन द क्लोजिंग प्राइस तो डेट नॉमी की क्लोजिंग प्राइस और निफ्टी की क्लोजिंग प्राइस ओके तो सिंपल आर एस में हमने क्या किया था हमने बहुत सिंपल काम किया था हमने इसको और इसको डिवाइड कर दिया था राइट right. सिंपल आर एस ये करता है ठीक है बट मेरा आर एस जो एडवांस आर एस है मैं यह कंपेयर करना चाहता हूं कि इमामी का रिटर्न वीज निफ्टी का रिटर्न ओवर सर्टेन टाइम पीरियड कितना है अगर रिटर्न ज्यादा है तो इसका मतलब आउट परफॉर्म कर रहा है अगर रिटर्न कम है तो इसका मतलब कर so, रहा है। परफॉर्म रिटर्न मतलब रिटर्न मतलब इमामी सपोर्स दो सौ राइट right. ये दस अगस्त तक ये तीन हो गया तो रिटर्न मतलब तीन डिवाइडेड बाई दो ओके ओके okay. okay. या तो रिटर्न को आप माइनस करके निकालते हैं राइट right. राइट right. या आप रिटर्न को डिवाइड कर लेते हैं सौ रुपए का चीज डेढ़ सौ हो गया right. तो पचास परसेंट रिटर्न हो गया और वैसे तुम देखेगा तो डेढ़ सौ डिवाइडेड बाई सो मतलब राइट बात तो एक ही है खाली नजरिया अलग है देखने का ओके ठीक है तो जब मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ देख रहा हूं तो मैं रिटर्न से रिलेटिव स्ट्रेंथ निकाल रहा हूं okay. प्राइस से रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं निकाल रहा हूं ये एक स्टेप आगे का हुआ जिसको लॉगरिथमिक स्केल भी yeah. बोलते हैं कभी आपको टाइम मिलेगा तो नेट पे लॉगरिथमिक स्केल के बारे में पढ़ दीजिए बट आई एम ट्राइंग टू कीप इट वेरी सिंपल फॉर यू ओके बट ये जो आर एस मैं निकालता हूं हर आदमी अपना अपना टाइम फ्रेम डिसाइड कर सकता है कि मेरे को इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूं ताकि डेटा बड़ा दिखे मेरे को 10 अगस्त से 2 जुलाई का कंपैरिजन करना है कि मेरे को 23 जुलाई से 2 जुलाई का कंपैरिजन करना है क्योंकि नंबर ऑफ डेज डेज विल बी डिफरेंट राइट सो यू कैन हैव सेम सर मैं 20 का बकेट्स आपको याद है वो डिलीवरी के लिए जब बात हो रही थी तो मैंने कहा था लास्ट फाइव डेज का एवरेज करिए राइट यस सर तो आप बोल सकते हैं सर मैं फाइव क्यू करू मैं सेवन करूंगी hmm. बोलेगा मैं करूंगी कोई बोलेगा पच्चीस करूंगी सब अपना अपना कर सकते हैं मैंने एक डिसाइड किया कि मैं पिछले पचपन दिन का रोलिंग hmm. रिटर्न को कंपेयर करूंगा ओके okay. क्यों पचपन बिकॉज <coughs> मेरा मानना है कि तीन महीने तक अगर कोई स्टॉक ऑन एन एवरेज मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है hmm. तो इट्स अ स्टॉक ओके एंड इज अप्रोक्सिमेटली तीन महीना प्लस पचपन राइट सर तो मैं आर एस पचपन इसलिए यूज करता हूँ कोई एक सौ तेईस यूज करता है कोई इक्कीस यूज करता है आप अपना ट्राई कर सकते हैं मैंने अपना आपको बता दिया कि मैं पचपन यूज करता हूं तो इसका फॉर्मूला क्या है <laughs> दो जुलाई प्लस पचपन दिन तो प्लस पचपन दिन कितना आएगा तो ये दो जुलाई प्लस पचपन दिन छब्बीस अगस्त तो छब्बीस अगस्त को हम चले अगर छब्बीस अगस्त को जो इसका प्राइस है सी ये राइट डिवाइडेड बाई जो इसका इधर का प्राइस रहा है तो ये 1.58 टाइम्स इमामी hmm. 1.58 टाइम्स हो गया है राइट right. और निफ्टी का अगर मैं करूं तो सेम कॉन्सेप्ट राइट right. तो निफ्टी 1.09 टाइम्स हुआ वेर एज इमामी 1.58 टाइम्स हुआ okay. तो इमामी स्ट्रॉग है कि वीक है स्ट्रॉन्ग है ओवर अ पचपन पीरियड इसको आपको इक्कीस करना आप इक्कीस कर लीजिए जिसको जो पसंद आता हो ठीक है अब इसका इसको देख के हम आर एस कैसे निकालेंगे दिस डिवाइडेड बाई माइनस वन ये हो गया आर एस तो पॉइंट फोर फोर आर एस है जब तक ये आर एस जीरो के ऊपर है मतलब स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉग स्टॉक स्ट्रॉग है जब आर एस जीरो के नीचे चला गया मतलब वो वीक हो गया okay. तो अब इसको हम नीचे तक टांग देते हैं ये आपको एक्सेल करने का रिक्वायरमेंट नहीं होगा आप टेंशन मत करिए ठीक है ये सॉफ्टवेयर में है मैं आपको सिखा दूंगा सॉफ्टवेयर ट्रेडिंग व्यू में भी है स्टॉकेज में भी है ठीक है और ये मैंने अपने वेबिनार में और डिटेल में समझाया है तो जैसा कि मैंने कहा पसंद आएगा तो वेबिनार ले लीजिएगा ओके सर आप देखिए इसके अंदर में क्या हो रहा है अनुपूर्णा कभी कभी ये ऐसे ऐसे ओके okay. तो ये क्या हर पचपन दिन का रोलिंग कर रहा है ये हर दिन का आर निकल रहा है अब देखो ये यहां पर माइनस आ गया क्यों आया क्योंकि स्टॉक जो है निफ्टी के मुकाबले अब अंडर परफॉर्म करने लग गया है राइट राइट ठीक है अब इस चीज को मैं आपको ट्रेडिंग व्यू में दिखाता हूं कैसे आप करेंगे ओके सो लेट्स मूव आउट ऑफ एक्सेल लेट्स गो टू दिस तो ट्रेडिंग व्यू के अंदर में आप एक इंडिकेटर इंसर्ट करेंगे इंडिकेटर सर्च करेंगे फ्री है यहाँ रिलेटिव स्ट्रेंथ यहां पर एक इंडिकेटर है एक हमारे मित्र है भारत भारत ट्रेडर ट्रेडर उनका नाम भारत ट्रेडर नहीं है बट उन्होंने बहुत ही मतलब कि उन्होंने ये बना के हमको दे दिया है पब्लिक लाइब्रेरी में आपको मिलेगा रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टॉक ओके इसको क्लिक करिए तो ये यह देखिए यहां पर एक आर एस आ गया ये ग्रीन और रेड दिख रहा है हुँ, हुँ. Hmm? तो? अब एक काम करिए पुराना आर एस को बाय बाय कर दीजिए से बाय टू पुराना आर एस बाय बाय सॉरी अब क्या करें आपसे एडवांस कोई आ गया है, तो आपको तो बाय बाय करना ही पड़ेगा नहीं तो कैसे चलेगा राइट right. अब ये आर एस को हम एडॉप्ट करेंगे इसका सेटिंग में जाते हैं इसका सेटिंग में 123 है मैंने बोला था कई लोग 123 करते हैं इसको अपने कितना कर दें 55 55 और ये लेबल रेफरेंस को हटा देते हैं क्योंकि हमको नहीं देखना है क्या है मूविंग एवरेज ऑफ आर एस चाहिए नहीं चाहिए अगर आपको चाहिए तो आप ये भी डाल सकते हैं ओ तो कई लोग ऐसा करते हैं आर एस का मूविंग एवरेज अगर ऊपर है तब मैं आर एस में मानूंगा कि ये प्लस है या माइनस है ट्राई करके देख सकते हैं मुझे नहीं दरकार है ठीक है इसको सेव कर लेते हैं तो अनुपूर्णा जी अब बन गया आपका सही मॉडल अब मैंने अपने आप को पूरी तरीके से आपको दे दिया है टोटली अब ये क्या नज़र आ रहा है ये ग्रीन है नीचे रेड है ग्रीन मतलब स्ट्रांग है रिजर्व इज निफ्टी रिजर्व से 55 पीरियड का करोड़ राइट right. रेड मतलब वीक है वीक है तो जब तक स्टॉक स्ट्रांग है हम्म सुपर ट्रेंड भी पॉजिटिव है और आरएसआई 50 के ऊपर है खेलो तेजी राइट right. राइट right. so. जब ये कॉम्बिनेशन डिस्टॉर्टेड हो जाए बुक कर दो ओके okay. सिंपल है ना सारा स्टॉक में देखिए एक एक करके हाँ. जो आपके स्टॉक्स है एक दो ग्यारह स्टॉक है और आपने ऐड किया क्या स्टॉक हाँ सर बताइए सर एक तो मैंने किया है टाटा कॉफी टाटा कॉफी आपने टाटा एलेक्सी बहुत प्यारा ऐड किया था अनुपना जी क्या जबरदस्त चला उसके बाद में सर ब्रेक आउट भी रिसेंटली ब्रेकआउट भी दिया है हाँ एब्सोल्युटली और बताइए सर एक मैंने डाला है सुबेक्स सुबेक्स और बताइए और मैंने डाला लॉरेस लैब्स अरे थ्री क्या क्या कंपनीज और बताइए सर, सर मैं आप ही को फॉलो कर बहुत अच्छी बहुत चलिए एक टाटा एलेक्सी देख लें ओके okay. टाटा एलेक्सी आपने लास्ट टाइम ऐड करवाया था सर एक्चुअली एक और स्टॉक है जो मैं आप चाहती हूं कि आप देखिए सर पावर ग्रिड अरे वाह बहुत अच्छा है पावर सेक्टर काफी अच्छा लग रहा है इंडिया में लेकिन पहले टाटा एलेक्सी डिस्कस करते हैं जो आपने लास्ट ऐड किया था देखिए राइट से पॉजिटिव है ये जब इसका भाव था नौ सौ नब्बे तब से ये आर एस ऊपर है एक बार सुपर ट्रेंड नेगेटिव हुआ था लेकिन वापस से पॉजिटिव आर एस ऊपर है आप सपोज इसको देख लेते और इसमें घुस जाते यहाँ पे और इसमें बरकरार रहते कितना पैसा बना लेते hmm. अभी भी क्या हो रहा है अभी भी आर एस आई पचास के ऊपर है पॉजिटिव है है प्राइस है, hmm. प्राइस इस वेरी उसको हमको निग्लेक्ट नहीं करना बिकॉज भगवान वही है ये सारे पुजारी है ये धोखा दे देंगे hmm. hmm. प्राइस भी अगर आपको कॉन्फर्मेशन दे रहा है कि हाँ इसके अंदर में स्ट्रेंथ है तो ये स्टॉक हमारे लिए स्ट्रॉग स्टॉक है right. अब इसी में हम मदर डॉटर स्ट्रेटजी कर सकते हैं हुँ. कि चार्ट में और टू आवरली कंटिन्यू करूंगी और अगर टू वीकनेस दिख रहा है एंट्री तो कर right. कर okay. करूंगी क्यों क्योंकि डेली अभी भी पॉजिटिव okay. 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 बोल रहा है जब सुपर ट्रेंड नेगेटिव हो गया और आर एस जीरो के नीचे चला गया तब एग्जिट कर कोई भी एक हुआ तब एक्सिट मत करो देखो दूसरा हो सकता है उसको खड़ा रहे ऐसे, उसको सपोर्ट राइट राइट सो सो एक क्वेश्चन है है व्हाट इज द आइडियल आइडियल टाइम टाइम इसमें कौन सा है जब मैं आर एस देख के इसमें एंटर करूंगी प्राइस ब्रेकआउट आउट जी मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था कि कभी आपने कोई स्टॉक लिया और वो गिर गया hmm. तो आपको क्या करना चाहिए राइट right. उसमें मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि कभी भी कोई स्टॉक ऐसे नहीं चलता जाएगा फिर थकेगा फिर जाएगा फिर थकेगा तो आइडियली क्या होना चाहिए कि जब थक रहा है तब तो आपको स्टॉक आपकी नजर में आना चाहिए कि अभी थक रहा है और वेट करना चाहिए कि नेक्स्ट वो कब ब्रेकआउट देगा तो प्रीवियस स्विंग हाई का अगर ब्रेकआउट फिर से दे वो स्टॉक तब फिर आप इंटर करिए और आपको एक्टिवली करना है तो राइट और पैसिवली करना है तब फिर आप एक बार इंटर कीजिए जब तक तो आपका मॉडल आपको सेल नहीं बोल रहे सब तो मेरे साथ अभी हुआ था एक स्टॉक में मैंने एंटर किया बिकॉज वो ब्रेकआउट दे रहा था पर जैसे ही मैंने एंटर किया वो ब्रेकआउट देते देते फिर नीचे चला गया फॉल्स ब्रेकआउट राइट पॉसिबल है फॉल्स ब्रेकआउट तो हो गई तो सर हाउ डू आई आइडेंटिफाई सर पावर ग्रिड पावर ग्रिड चलिए उसी को लेके बात करते हैं हां सो पावर ग्रिड तो आपने पावर ग्रिड में बाइंग किया था राइट right. ब्रेकआउट पॉइंट पे अब वो क्या ब्रेकआउट पॉइंट है सबोज ये वाला ब्रेकआउट पॉइंट था प्रीवियस स्विंग हाई ये वाला लाइन चार्ट दवा लेते हैं इसमें लेट मी जस्ट रिमूव फ्यू थिंग्स कैंडल को लाइन कर देते हैं hmm. तो आपने कब इंटर किया था so ये जो स्विंग um... हाई है 10. हाँ करेक्ट है ये स्विंग हाई को जब थोड़ा यहां आपने इंटर किया ब्रेकआउट हुआ मैंने और पहले टेंथ जून के करीब किया था ये स्विंग हाई था yes. ये स्विंग हाई नीचे गया था फिर ये स्विंग हाई थोड़ा और आप घुसते तो पैसा बनता ये वाला प्रीवियस स्विंग हाई था अगर आप इसमें घुसते तो पैसा बनता आपको जो प्रॉब्लम हुआ होगा वो यहां हुआ है प्रॉब्लम कि ये जो स्विंग हाई है इस स्विंग हाई के ऊपर गया स्टॉक और फॉल्स हो गया वे नीचे चला गया उस समय आर भी स्ट्रांग था तो ये ये जो फॉल्स ब्रेकआउट है ये हुआ आपके साथ में ठीक है तो सो हाँ मतलब इज देर एनी वे जब जहाँ जैसे मैं आइडेंटिफाई कर पाऊँ कि शायद फॉल्स ब्रेकआउट है नहीं ओके अरे हर हर चीज़ थोड़ी ना आइडेंटिफाइबल है यार फॉल्स ब्रेकआउट तो होगा ही मतलब क्योंकि फॉल्स ब्रेकआउट के जो ब्रेकआउट के जो जेन्युन कैरेक्टर्स क्या है कि स्टॉक में स्ट्रेंथ है है आर एस ऊपर है वॉल्यूम हो रहा है विद ब्रेकआउट हा हो रहा है उसके बाद वापस घूम गया नीचे घूम गया स्टॉप लॉस हिट हो गया हो गया होगा ना दस में से छह स्टॉक राइट होंगे चार रॉन्ग होंगे या पांच भी रॉन्ग हो सकते हैं मेंटली बी प्रिपेयर अगर आप ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हैं तो चालीस परसेंट ब्रेकआउट फॉल्स हो सकते हैं इवेन दो आपके सारे क्राइटेरिया मीट करते हैं डोंट गेट वरीड अबाउट इट ओके इसका एक क्या अगर आपको इससे बचना है mm -hmm. तो नंबर ऑफ ट्रेड ज्यादा होने पड़ेंगे मल्टीपल स्टॉक्स में एक स्टॉक में ब्रेकआउट फेल हो गया कोई बात नहीं हमारे तो बाकी ट्रेड खड़े ही ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने सारा पैसा एक ही ट्रेड में डाल दिया सो डाइवर्सिफिकेशन इज नॉट अ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट थियोरी डाइवर्सिफिकेशन आल्सो वर्क्स इन ट्रेडिंग

अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि कई लोग पूछते हैं कि सर आप ये वाला आर पहले बता रहे थे ये वाला यूज करते हैं तो मैंने बता दिया अब तो अब आप लोग ये वाला आर फॉलो कीजिए अच्छा एक बात राइट right. ट्रेडिंग व्यू के अंदर में यह आर एस है स्टॉकेज में भी यह आर एस है okay. तो मैं अगर आपको यह जानना है कि कौन सा स्टॉक है जिसमें यह आर फुलफिल हो रहा है और जहां मोमेंटम आ सकती है तो स्टॉकेज के अंदर में अगर तुम स्कैन में जाओगी प्राइस स्कैन यहां पर ये यह जो स्कैन है रिलेटिव स्ट्रेंथ स्कैन 55 फाइव डेज एडवांस आर एस इसको क्लिक करोगी तो यहां पर यू विल गेट मल्टीपल स्कैन स्कैन क्या क्या scan है स्ट्रॉन्गली आउट परफॉर्मिंग बेंचमार्क इंडेक्स इसका मतलब है कि कोई भी स्टॉक उसका आर एस पॉइंट वन से ऊपर है ओके okay. हमने देखा था उसमें पॉइंट फोर फोर था पॉइंट right. वन से ऊपर अगर जिस भी स्टॉक का आर एस है वो यहां पर नजर आएगा स्ट्रॉगली अंडर परफॉर्मिंग बेंच मार्क इंडेक्स मतलब पॉइंट के नीचे ठीक है इंक्रीजिंग रिलेटिव स्ट्रेंथ बेंचमार्क इंडेक्स मतलब पिछले तीन ट्रेडिंग सेशन से उसमें आर एस जो है वो बढ़ रहा है पॉइंट okay. वन हुआ है पॉइंट वन फोर हुआ है तो बढ़ रहा है इंटरेस्टिंग डिक्रीजिंग मतलब पिछले तीन सेशन से घट रहा है

एंजेल ब्रोकिंग इसका आर एस है 1.7 बाप रे बाप बहुत ज्यादा है ना राइट सर एच एफ सी एल 1.54 मतलब कितना आउट परफॉर्म किया इन लोगों ने मार्केट को राइट वेंकीज लक्स एक काम करते हैं नीचे चलते हैं और नीचे आते हैं ये पूरा सॉर्टेड बेस्ड ऑन आर एस है right. इतने सारे स्ट्रांग स्टॉक्स हैं मार्केट में जिनमें आप काम कर सकते हैं फिल्टर करें इनको चलिए इनको फिल्टर करते हैं खाली एक बार Uh, कुछ स्टॉक्स देखते हैं से निफ्टी फिफ्टी देखते हैं खाली आपने ये फिल्टर मैकेनिज्म देखा है यू कैन एक्चुअली फिल्टर इट टू लिमिटेड स्टॉक्स आप प्राइस वाइज भी फिल्टर कर सकते हैं एक काम करते हैं ऑल एन स्टॉक्स देखते हैं खाली एन स्टॉक्स मार्केट कैप वाइज फिल्टर करते हैं कि मुझे वही स्टॉक बताओ जिनका मार्केट कैप सौ करोड़ से हजार करोड़ के बीच में ओके okay. क्योंकि छोटे स्टॉक से बड़े होने की पॉसिबिलिटीज है तो उन छोटे पे फोकस करते हैं अप्लाई करते हैं इनको अब देखते हैं आर एस देखिए 3.72 पॉइंट सेवन टू जी टी एल का ओ माई गॉड थोड़ा कम आर वाले स्टॉक्स पे दिमाग लगाते हैं नीचे आते हैं नीचे आते हैं एक्चुअली इससे बेस्ट तरीका क्या पता है कॉम्बिनेशन क्रिएट करिए सर आपने जो लास्ट टाइम सिखाया था तो आप माई कॉम्बो स्कैन में जाके आ, कॉम्बो कॉम्बो आर एस स्ट्रॉग का जैसे कॉम्बो मैंने बना रखा है मैं दिखाता हूं हाई डिलीवर क्वांटिटी इंक्रीजिंग आर एस द बेंचमार्क इंडेक्स

स्लैश आर एस वॉरियर्स बहुत प्यारा कम्युनिटी आई वॉन्ट यू टू लुक एट दैट तो ये मैंने ऐड कर दिया यहां पे तो इसमें स्टॉक्स देखते हैं तो परफेक्ट मैच कोई नहीं है एक बार मैं ये एस आर एस वाले को हटा देता हूं तो सिंपल रखता हूं हाई डिलीवरी इंक्रीजिंग रिलेटिव बेंच मार्क इंक्रीजिंग रिलेटिव ठीक है तो स्टॉक देखते हैं परफेक्ट मैच आइए आदित्य बिरला बी एम एम दीपक नाइट चलिए दीपक नाइट देखते हैं क्या बात है आर एस ज़ीरो के ऊपर टू आवरली आर एस ये भी डेली और ये टू आवरली है अगर आपका खाली टेम्पलेट में चला जाता हूँ एक बार मैं वो तो मेरा टेम्पलेट था ये आपका टेम्पलेट में एक बार आता हूँ मैं तो आर एस जीरो के ऊपर है प्राइस ब्रेकआउट दे दिया यस आर एस आई ब्रेकआउट के वक्त वॉल्यूम हुआ है हुआ है और एक बार डिलीवरी भी देख लें दीपक नाइट्रेट के अंदर चलते हैं डिलीवरी कैसा हुआ इसमें वाओ दो दिन से अच्छा डिलीवरी है राइट right. तो ये स्टॉक हमारा बाइंग रडार का पार्ट होना चाहिए ओके okay. छोटा स्टॉप में इसमें पोजीशन देना चाहिए यही चार्ट अगर ट्रेडिंग व्यू आपके पास नहीं है तो आप यही दीपक यहां पर भी बना सकते हैं स्टॉकेज में एच चार्ट बोल के, है, तो उस चार के अंदर में यू आर सब्सक्राइबर ऑफ स्टॉक तो आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर आप अपना टेम्पलेट बना सकते हैं राइट right. और उस टेम्पलेट के अंदर में इफ़ यू सी वी हैव गिवेन यू इंडिकेटर्स जिसमें आर एस इंडिकेटर भी है ये रिलेटिव स्ट्रेंथ आर एस मार्केट आर एस सेक्टर ओके तो वो मेरा ऐड किया हुआ यहाँ पर आर एस मार्केट कहाँ है अरे नहीं है कहाँ गया मेरा और मेरा फोन में ऐड किया हुआ है यहाँ अभी ऐड कर लेता हूँ मैं तो ये देखिए ये आर एस मार्केट जीरो के ऊपर है वॉल्यूम भी अच्छा हुआ है और वॉल्यूम और डिलीवरी दोनों यहाँ पर है राइट right. ये हमारी चार्ट ऐसी बनी हुई है कि इसमें वॉल्यूम डिलीवरी दोनों आ जाता है आर एस आई भी इसका बचपन के ऊपर है सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर ट्रेड एंड वो जैसे ही ग्रीन लेगा तब लो और शुड आई वेट कि वो और ऊपर जाएगा प्राइस ये ये पुजारी आपको बता रहा है कि प्रभु जी आने वाले हैं बट ये नहीं कि पुजारी ने बोल दिया आप उसकी बात मान ली जब तक प्राइस नहीं बोलेगा कि मैं आ गया हूँ तब तक नहीं पोजीशन लेना एक अलग बात हो गई ये पुजारी आपको सिर्फ बताता हेल्प करता है ओके okay. धोखा भी दे सकता है ये लोग तो प्राइस से दोस्ती करना बहुत इंपॉर्टेंट है इज़ राइट ओके और वो तभी होती है जब आप कंटिन्यूसली प्राइस को देखते रहते देखते रहते इसलिए मैं बोलता हूँ फोकस ओनली वे टू बिकम फ्रेंडली विथ प्राइस टू ओनली फोकस ऑन फ्यू स्टॉक्स फॉर एट डीज इनिशियल टेन मंथ्स एंड देन द आर्ट ऑफ बिकमिंग फ्रेंड विद आपको याद है मैंने आपका एक कॉम्बिनेशन बनाया था जिसमें फंडामेंटली अच्छे डाल लेते okay. प्राइस हैं रिलेटिव प्राइस तो आउट इंडेक्स लेते। yeah. कि जो जिसका आर एस पॉइंट वन से ज्यादा अब देखते हैं कौन सा आ रहा है ये हरे स्टॉक है फंडामेंटली अच्छे स्टॉक आर एस उनका ज्यादा है मतलब तो बहुत अच्छे है एक और फिल्टर कुछ डालें क्या डिलीवरी yes, डालें एक कि जिनमें डिलीवरी हुआ है वीकली जिनमें डिलीवरी हाई है ये नया हमने ऐड किया ना वीकली डिलीवरी yes, तो जिस स्टॉक में वीकली डिलीवरी ज्यादा है वही स्टॉक मेरे को दिखाओ yes, वीकली मतलब इस वीक में जो पूरा वीक चल रहा है कैलेंडर वीक है ये right. तो इसमें अगर डिलीवरी ज्यादा है तो मुझे दिखाओ परसिस्टेंट सिस्टम चलो भैया परसिस्टेंट सिस्टम जरा देखा जाए ये हो हो हो। देखिए कब से ये तेजी दिखा रहा पंद्रह सो पचास से तेजी दिखा रहा है और ये तीन हजार का भाव हो गया अगर आप इस लॉजिक को समझ के इसको ब्लाइंडली फॉलो करते सुपर ट्रेंड ग्रीन का ग्रीन आर एस ग्रीन का ग्रीन हर फॉल में बाइंग अपॉर्चुनिटी हर फॉल में बाइंग वही मैंने उस वीडियो में कहा जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक होता है वो गिरता है तो खुश हो जाइए घबराइए मत क्योंकि तो वो स्ट्रांग है लेकिन जब ये वीक हो जाए बात ही मत सुनिए किसी का चुपचाप स्क्वायर अप करके निकल जाइए ओके okay. समझ गए so, सर जैसे इसमें क्वेश्चन हाँ बताइए सर अगर जैसे रिलेटिव स्ट्रेंथ उसमें जब नीचे गिरा लेफ्ट साइड में इसमें हाँ, गिरा हाँ बोलो सर so, यहाँ पे ये यह वाले पॉइंट पे निकल जाएंगे तो सर वील शुड 100 परसेंट क्योंकि सुपर ट्रेंड भी नेगेटिव है ना Okay. सुपर ट्रेंड और आर एस दोनों नेगेटिव है तो चुपचाप निकल जाओ दिमाग मत लगाओ जब वापस तो इंटर पहले हो जाएगी एग्जिट भी पहले हो जाएगा okay. अगर आप लंबी अवधि के लिए ट्रेड करना चाहते कि सर मैं ना मेरे से नहीं होगा थोड़ा लंबा खेलना है खेलना है तो ठीक है तो इसको वीकली कर ले तो छोटा छोटा मूवमेंट पे घबराहट नहीं होगी फिर ये एक बार घुस गए तो फिर वापस निकलने ये बोला ही नहीं ना एक बार भी। hmm. कहां से ही हुआ देखो सात सौ रुपए से घुसा हुआ है देखो स्टोरी देखो तीन सौ रुपए का सीडीएसएल नौ सौ नब्बे हो गया दिया उसने मौका प्लस है। यहां उसने सुपर सुपरटेन नेगेटिव दिया था एक बार एक बार हम निकल जाते नहीं गुगली था क्योंकि आर एस तो अभी तक सुपर ट्रेंड के बोलने से क्या होता है वो बोलेगा भगवान है क्या आर एस भी तो बोलना चाहिए ना मेरे को तब मैं निकलूंगा तो आर एस स्ट्रॉंग था सुपर ट्रेंड नेगेटिव था मैं नहीं निकलूंगी जब दोनों है एंट्री में यहां से करूंगी एग्जिट में तभी करूंगी जब मेरा दोनों नेगेटिव साइन दे नहीं तो मैं एग्जिट नहीं करूंगा लेकिन आप बोलेंगे कि सर ये तो गिर जाएगा उसके बाद ये आर एस नेगेटिव होगा तो पैसा लग जाएगा तब तक तो घबराहट होती है अगर तो थोड़ा थोड़ा बुक करते चलो सपोज आपने दस हजार का पोजिशन लिया था right. कोई तो एक अप्रीशियेशन होगा ना जिसमें मन प्रसन्न होगा आपका mm -hmm. जब मन प्रसन्न होता है तो आधा बुक कर दीजिए mm -hmm. तो बुक हो गया फिर और बढ़ गया पचास mm परसेंट -hmm. बचा हुआ है और मन प्रसन्न हुआ mm -hmm. उसका पचास परसेंट का और पचास परसेंट बुक कर दो mm -hmm. मतलब पच्चीस परसेंट और बुक हो गया ओवरऑल पच्चीस परसेंट अभी भी रह गया फिर और बढ़ गया और मन प्रसन्न हुआ उस पच्चीस का पचास परसेंट और बुक कर वो 50 बेचने का उद्देश्य यही था कि वो नीचे गिरेगा बिकॉज गिरेगा ही जो जाएगा वो नीचे तो आएगा बट जो स्ट्रग स्टॉक होगा वो फिर जाएगा तो जब नीचे आए और डिमांड जोन के पास आए और आर एस बोलता हो कि कोई तकलीफ नहीं है मैं हूँ वापस ले लो पचास परसेंट right. तो भरते हुए बाजार में एक्टिव ट्रेडिंग करके एक्स्ट्रा रिटर्न किया जा सकता है प्लस अगर सपोज वो गिर गया और नीचे अरे ऊपर का व्यू में आर एस तो right. so yeah. so yeah. जो मैं बता रहा हूँ अगर आप सिंपल ट्रेडिंग हैं तो फ्री में अवेलेबल है बट आप जितने ज्यादा इंडिकेटर यूज करेंगे उतना एक्सपेंसिव होता है बट गुड पॉइंट इज दैट कि हमने ट्रेडिंग व्यू के साथ कोलाबोशन कर रखा है तो नीचे लिंक दे दूंगा okay. तो आप ट्रेडिंग व्यू में उस लिंक से ट्रायल अपना चालू करेंगे तो आपको वो स्पेशल ऑफर ई कर देंगे बाद में तो यू डोंट अगर आप मार्केट में सीरियस है ना तो ट्रेडिंग व्यू और स्टॉकेज ये दोनों का लीथल कॉम्बो आपको रखना ही पड़ेगा बिकॉज स्टॉकेज गि यू एक्सेस टू ऑल काइंड ऑफ डेटा इन रेडीमेड एनालिटिक्स एंड ट्रेडिंग व्यू हेल्प यू टू

और आप अभी तक है ही नहीं उसमें तो मैं आपको बता देता हूँ एक हमारी कम्युनिटी है स्टॉकेज क्लब की दिस इज अ स्टॉकेज़ क्लब यहाँ पर तकरीबन 2800 मेंबर मेम्बर है okay. और वो ये एक ऐसी प्राइवेट ग्रेडेड कम्युनिटी है जहाँ पे मेरी टीम जो इतने भी रिसर्च की टीम मेंबर है वो सब ये ब्लूटिक होल्डर्स हैं और ये हमारे जो भी क्वेरीज आती है हमारे मेंबर्स के उनको रिजॉल्व करते हैं तो ये जो स्ट्रैटेजी है आर एस वगैरह इन सब को लेके भी कंटिन्यूसा चर्चा चलती रहती है एंड वी हेल्प पीपल ऑन अ रियल टाइम बेसिस तो अगर आप चाहें तो स्टॉकेज क्लब के भी मेंबर बन जाइए और ये जो एक साल डेढ़ साल का जो जर्नी है ना लर्निंग का रियल टाइम लर्निंग और रियल टाइम प्रैक्टिस का वो हमारे क्लब के साथ में संपूर्ण करिए इफ यू नीड बट इफ यू थिंक यू आर सेल्फ मोटिवेटेड मेरे फ्री कॉन्टेंट से काम हो रहा है आप आराम से उसको यूज़ कीजिए दैट इज मोर देन सफिशियंट बट इफ़ यू नीड हेल्प फ्रॉम अस कम्युनिटी इज समथिंग विच वेफिनेटली हेल्प यू इन सक्सीडिंग फॉर ट्रेडिंग फॉर इन्वेस्टिंग फॉर लर्निंग आप देखो अलग अलग रूम बना रखें इट्स लाइक यू नो अ क्लब क्लब में होता ना कि एक बिलेट्स रूम अलग है टी टी रूम अलग है तो वैसे रूम्स बना रखें तो इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर यूजर्स So, आप आ, कैसे इस कम्युनिटी का पार्ट बनेंगे यू गो टू स्टॉकेज डॉट कॉम वहां पर आपको उसका प्राइसिंग प्लान नजर आएगा एंड आई विल ऑल्सो गिव यू स्पेशल ऑफर फॉर दिस तो इस वीडियो के नीचे में क्लब mm -hmm. के लिए एक स्पेशल ऑफर में दे दूंगा तो so, आप प्लान जो क्लब का है वो ले लीजिएगा यूजिंग दैट ऑफर ओके ठीक है ओके सर तो दोस्तों ये लंबा चल गया थोड़ा वीडियो बट क्या करें मेरा वेबिनार अगर उसको मेरे को पूरा आपको देना है तो अपनी सारी बात आपको बतानी है और सारी बात बताने में थोड़ा टाइम तो लग जाता है बट आई होप यू लाइक और जो लास्ट तक रुके हुए हैं उनके लिए तो एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि लिटरली मैंने अपना वेबिनार आपको दे दिया है तो शायद आपको सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट ना पड़े लेकिन क्लब में ज़रूर आइएगा इससे आपको गारंटी देता हूँ मैं क्लब में आपको इतना फ़ायदा होगा और क्लब का एक और फीचर है कि आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हैं क्लब के अंदर में क्योंकि मैं अपने क्लब मेंबर लोग के लिए एनी टाइम अवेलेबल हूँ बहुत डिफिकल्ट होता है यूट्यूब में हर क्वेश्चन का जवाब देना बट अगर आप क्लब के मेम्बर बनते हैं तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू आंसर ऑल काइंड ऑफ क्वेरीज विच यू हैव थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए आशा करता हूँ कि आपके ट्रेडिंग जर्नी में ये एक इंपॉर्टेंट माइल के रूप में आएगा और आप यहाँ से और बेटर ट्रेडर के रूप में उभरेंगे और काम करेंगे धन्यवाद ये वीडियो शेयर करने के लिए और मेरे काम को लोगों के साथ में शेयर करते रहिए बाय बाय